मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है वही मैंने बोल दी, मेरे मेरा यार बोलता थे तो बाहर तो तो हो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है टैक्स वाला मामला तो ना वो बस नहीं चल रहा था कदम बोसी कर लेते सच्ची मुच्ची की कदम बोसी कर लेते टांगे खराब थी उनकी पता नहीं कुछ था कह रहे थे तो वो जो व्हील चेयर थे थे जो उठ नहीं पाते थे ना जब मक्त सचियाँ उठी फिर कौन सा इल्ज़ाम कौन सा गवाह कौन सी चीज़ें फिर सब जायज होता है तो पी डी एम की जमातों ने एक फैसला किया है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके बाहर धरना दिया जाएगा आ, पीर वाले दिन तो ये भी कह देते कि मुनकर नबीर जो है ना वो भी इमरान खान से जवाब नहीं मांगे बिसम रहीम चरबमा बुखारी के आज के विलॉग के साथ हाजिर ख़िदमत हूँ और बहुत सारा वक़ा आता रहा और आपको मालूम है अ, सबसे पहले तो आप सबको मुबारकबाद इंटरनेट भी बहाल होने की और ट्विटर और बाकी सोशल मीडिया के जितने अकाउंट्स हैं वो बहाल होने की सो so, इसी वजह से हमें भी बहुत जो है वो दिक्कत हुई बहुत मुश्किल हुई जिसकी वजह से बहुत गैप भी आता रहा जो है वह विलाग करने के अंदर और इसलिए ज़ाहिर हमारा जो है वो ज़रा वक्फ़ा ज़्यादा था लेकिन बहुत सारी बातें हैं करने के लिए जो गुजा कुछ दिनों में हुई आ, मतलब मुझे तो लगता है कि ये जो है ये सज़ा सिर्फ पाकिस्तान के आवाम को मिलनी थी क्योंकि इमरान खान जो है वो अब ये हकीकत मेरा ख्याल है कि उम्मत को भी और तमाम रियासती इदारों को भी और इन सबको ये समझ लेना चाहिए कि इस वक्त मुल्क में एक नई इस्टेबलिशमेंट जो है उसका राज है और उसका नाम इमरान खान है वो तमाम हुकूमतों से भी बुलंद है वो एक सुपर हुकूमत है वो एक सुपर कोर्ट है वो एक सुपर आर्मी है वो सब कुछ है और जो वो कहेगा इस मुल्क में सिर्फ वही होगा और वही हम देख रहे हैं कि क्या हुआ ज़्यादा से ज़्यादा साठ अरब रुपए का ही तो सिर्फ इल्ज़ाम था लेकिन उसके बावजूद आप ये देखिए कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो कितने खुश हुए इमरान खान साहब को देखिए देखा ना आपने आप लोगों ने भी बड़ा इन्जॉय किया होगा और आ, वो तो कसम से ऐसे ही था कि जो मैंने बोल दी गाना सुना ना आपने मुझे बहुत पसंद है वो गाना मैंने बोल दी मेरे मेरा यार बोलता तो वो याद आ रहा था मुझे है, है, इस प्यार मोहब्बत को देख के और एक टाइम फिर मेरी आंखों में आंसू ही आ गए ये जज्बाती मंजर देख के कि जब इमरान ख़ान साहब जो है वो एंटर हुए अपनी प्यारी प्यारी नई टाँगें ख़राब थी उनकी पता नहीं कुछ था कह रहे थे तो वो जो व्हील चेयर पे थे जो उठ नहीं पाते थे यू नो वो फिर अपनी प्यारी प्यारी टांगों के ऊपर चल बड़े एक तेज तेज कदम उठाते हुए जो है वो जब आ, सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया उनके जब वो केस के अंदर तो वो भागते भागते जो है वो आ गए और वो उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट में जो है ना मेरा दिल चाह रहा था जब वो फुटेज आती है ना तो जरा मैं कहूँगी अपनी टीम को कि वो फुटेज जो है वो जब आए वो आप साथ चलाएं तो उसके ऊपर जरा फूल जरूर गिराए वो यू नो बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है टाइप्स वाला मामला और वो कदम बोसी आपने सुना होगा एक उर्दू का वर्ड है लेकिन उसका मतलब कुछ और होता है बट उजन चीफ साहब का जो है ना वो बस नहीं चल रहा था कि वो सच्ची मुच्ची इमरान साहब के वो मुझे कदम जिनके ऊपर वो जो है बोझ डालकर जो है वो अदालत को जो है उस पर मेहरबानी करने पहुंचे थे उस पर कदम बोसी कर लेते सच्ची मुच्ची की कदम बोसी कर लेते क्योंकि जो है उन्होंने आके एहसान किया बहुत पूरे मुल्क के ऊपर एहसान किया पूरी अदालती निज़ाम पे ऊपर एहसान किया और अपनी मेजबीन आंटी ही उनको आप कैसे भूल गए और शहर की मामा और ख़ुद शहर भी मतलब सब जो है वो बेचैन बेकरार थी और फिर वो गली में चांद निकला और सबने देखा वो चांद निकला बलहदा बात है कि वो चांद जो है पाकिस्तान की सियासत पाकिस्तान की अदालती निज़ाम और पाकिस्तान की आवाम जो पिछले चार दिन से जलाओ घिराव जो है जिनके हो रहा था जिनके घरों में लाशें गई हैं जिनकी डकैतियाँ हुई हैं जिनको जो है वो शहदा उनके जो है वो चीजें जलाई गई हैं उनको ग्रहण लगा है सिर्फ लेकिन बाकी तो गली में चांद निकला है ना उन सब के लिए और आपने देखा कि मतलब बिल्कुल आप आए आपको देखकर मैं खुश हो गया वाह मुगैम खुश हुआ अः जो है वो क्या मतलब उन्होंने चीफ साहब ने यही सोचा होगा ना ज्यादा से ज्यादा कि क्या एक साठ अरब रुपये का इल्जाम है ठीक है साठ अरब का इल्जाम कभी किसी वजी अजम पे पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं लगा वजी अजम फारसी भी चढ़ गए वजीर अजम जो है उनको कई कई सालों में आपने जो है वो सज़ाएँ भी दी जेलों में भी रखा लेकिन साठ अरब रुपये का इल्ज़ाम जो है वो सिर्फ इमरान खान जो है उसकी ज़्यादा पर लगा इल्ज़ाम तो नहीं है वो तो पूरे हक है लेकिन देखिए जब मोहबता सचियाँ आपको मैंने बताया हुआ है कि जब मोहब्ता सचियाँ होती हैं फिर कौन सा इल्ज़ाम कौन सा गवाह कौन सी चीज़ें फिर सब जायज़ होता है सो मोहब्बत और जंग में सब जायज़ होता है वही सुप्रीम कोर्ट पर हुआ और उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से के जो है वो बाद हमने देखा कि एक ऑडियो आती है जिसमें राफिया आंटी के मियाँ अपने ख्वाजा अहमद तारिक रही वो जो है वो पूरी डिटेल बताते हैं कि कैसे क्या होने वाला है होने ये वाला है कि जो है उसको बुलाया गया है फिर उसको जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है भेजेंगे जो है आमिर फारूक जो है उस पर जो है वो इतराज़ किया जाएगा फिर जो है वो किसी क्या साहब को नाम ले रहा है वो क्यानी साहब को जो है वो बुला के जो है उनको बेंच जो है दे दिया जाएगा और जमानते हो जाएंगे लेकिन पूरी बात नहीं बताई यार राफिया आंटी के जो मियाँ है ना उन्होंने कुछ थोड़ी डंडी मारी है या ये तो हो नहीं सकता ना कि उनको पता ना हो क्या क्या होने वाला है कैसे कैसे होने वाला है उनको तो सब कुछ पता होता है ना तो वो फिर उन्होंने थोक के हिसाब से आज माशा जमानते इस्लामाबाद हाईकोर्ट से भी हासिल कर ली है जरूरत किसी की माइक के लाल में रला सना और ये सब लोग टाइम जया करते रहते ओ भाई नहीं है वो अनटचेबल है इस वक्त उसको कोई कुछ नहीं कह सकता और कल जो है वो तरले करते रहे चीफ साहब कि हमें भी कोई एक सेफ वो एग्जिट मिल जाए कह देना कि जलाओ गिराओ आपने नहीं किया मुजम्मत कर देना उसने कहा जूती की नोक पे आपकी मुजम्मत मैं क्यों मुजम्मत करूं और आज उसने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में फिर धमकी दी सीधी सामने से उसने कहा मुझे अगर आज अरेस्ट किया तो फिर दोबारा से वैसा ही रद्दअमल आएगा मतलब कि मुझे जमानते दो गन पॉइंट के ऊपर वरना पूरा मुल्क जला दूंगा तो जजों ने भी कहा कि मतलब मा अलीपना चापना आप हुक्म करें जमानते आपके ऊपर से ऐसे वार वूर के फेंक देनी है हमने जबान तो की कौन सी बात है वो क्या मतलब ये आप कोई मरियम नवाज थोड़ी है जिसको सांस भी ऊंचा लेने के ऊपर जो है वो डांट पड़ती थी और उसकी जमानत कैंसिल करने की बात होती थी दरवाजा जोर से बंद हो जाता था तो उसके ऊपर जो है वो मरियम नवाज को जो जाता था कि आ, जो है आपको अदालतों का एहतराम नहीं है क्या मतलब ये वो और लोग थे वो मतलब आम लोग हैं ना इमरान खान खास है खास और वो खास क्यों है ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है ये मेरे माँ मतलब खुद रहते हैं और आज से आप लोगों ने ये बात समझ लेनी है कि अदालत का तकदस एक्चुअली इमरान खान का तकदस है और जहां जहां जो है इमरान खान का तकदस होगा उसको अदालती तकदस समझा जाए चूंकि अदालत और इमरान खान एक ही बात है और जो है वो एक और ऑडियो भी थी चीमी के साथ अपनी आंटी चीमी उनके साथ इमरान खान की और वो बड़े क्लियरली कह रहा है वो कह रहा है कि वो जाओ पैगाम दे दिया उसको अब वो उसको कौन था ये देखने की बात है और बाद में पता चला कि इमरान खान ने खुद कहा कि वो मुझे बीवी से बात करने को कहा था पर मैंने चीमा को फोन मिला दिया ये कोई बात पल्ले नहीं पड़ी आखिरी तलात तक तो पिंकी पीरनी साहिबा जो है वो बेगम साहेबा थी ना तो उनको कॉल नहीं मिलाई चीमी को कॉल मिला लिया फिर उसे कहा उसको पैगाम दे दिया है और सुप्रीम कोर्ट में लेके जाओ उनको पता था ना मैच फिक्स था सुप्रीम कोर्ट में मुझे लेके जाओ वहां पे सारे मसले हल हो जाएंगे और फिर बड़े आ, मतलब आपको बता ना शान से आ, जो है वो चीफ साहब ने कहा आप दस बंदों के साथ पार्टी टाइम करें आपको हम गेस्ट रूम में तीन जो है वो कमरे देते हैं और आप जाकर वहां पर जो है पार्टी टाइम करें अपने दोस्त बुलाएं अपनी फैमिली बुलाएं मौजे करें है ना ये भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ वैसे बंदयाल साहब ने वहां यहाँ पर डंडी नहीं मारी आपको लगता है मुझे तो लगता है यार एक आराम से चुप करके घर ले जाते हैं मतलब अपनी मैच भी आंटी खुश हो जाती शहर की मम्मी खुश हो जाती शहर खुश हो जाती राफी आंटी भी आ जाती है आपको पता उनका भी बड़ा पुराना ताल्लुक है तो खा अच्छी खासी आंटियों की दिल लगी हो जानी थी अगर बंदयाल साहब घर ही लिए जाते कितनी बुरी बात है आपने सिर्फ इसलिए कि जो है वो आपने ये भी पता चला कि खाना वाना भिजवाया था बंदयाल साहब के घर से गया था बैजबीन आंटी ने तो अपने हाथों से खुद जैसे कोरमा पकाया पकाकर उन्हें इमरान खान के लिए भेजा लेकिन देखो ना मतलब आप साथ चले जाते बैजबीन आंटी साथ बैठ के खाना खा लेते बंद साहब क्या जाना था आपका बहुत गलत बात है बंद करते हैं वैसे और आ, उन्होंने कहा कि जी गलत थी उनकी जो है वो आ, जो इनको अरेस्ट किया आप जो है वो दोबारा इस्लामाबाद कोर्ट में जो है वो घड़ी दोबारा वहां तक ले जाए मुझे ख्याल आया कि इमरान खान के लिए तो चढ़े घड़ी वहां ले जाए तो जो नवाज शरीफ साहब के लिए घड़ी आपने घुमाई हुई है जिस सारी साजिश के अंदर आप शामिल थे जिसके अंदर आपने सबने मिल नवाज शरीफ साहब को इमरान खान की मोहब्बत में सजा दी थी उस घड़ी को कौन घुमाएगा या उस घड़ी को अभी तक ना घूमे जाने का मुझे लगता है कि एक हम लोग भी जो है वो जिम्मेदार हैं हम में इतने गट्स ही नहीं थे हमें जो है वो तरीका ही नहीं आया लेकिन अब तरीका इमरान खान ने समझा दिया है कि अब जब आपने अपनी मर्जी का फैसला लेना हो जब आपकी बात ना मानी जाए बड़ा सिंपल है जलाओ घिराव करे दो चार बंदे मारे किसी के घर में घुस जाए और बदयाल साहब को नहीं ख़्याल आया उनको मतलब देख के खुशी तो बहुत हुई इमरान खान को लेकिन उनको मेरा ख्याल है साथ साथ उनको देख के ये भी खुशी हुई होगी, होगी याद आया होगा जो जिना हाउस जलाया है जो जिसको कोर कमांडर हाउस भी कहते थे जो तो शहदा के मोनूमेंट्स जला दिए गए जो इस वक्त पूरी दुनिया पाकिस्तान के बारे में कह रही है कि ये स्टेट जो है ये अब हुकूमत करने के काबिल नहीं रही ये सब बातों पर भी जो है वो मेरा ख्याल है याद तो बनियाल साहब को याद नहीं रही या मेरे ख्याल इमरान खान की मोहब्बत इतनी ज्यादा थी कि इन ज्यादा बातों को क्या हुआ क्या, क्या फर्क पड़ता है चंद जाने चली गई कोई अरबों रुपए का नुकसान हो गया है पाकिस्तानी जो है वो सहमे बैठे हैं जगह जगह पर आपको आग लगी गाड़ियां नजर आ रही हैं आपको आग लगे जो है वो चीजें नजर आ रही हैं आपको जो है बिल्डिंग्स जली हुई नजर आ रही हैं रेडियो पाकिस्तान का दफ्तर जल गया तो कौन सी बड़ी बात है एक इंदी को एम्बुलेंस जो है वो जल गई बाकी जो पुलिस वाली गाड़ी है तो साफ था भी कोई नहीं और जो डकैतियाँ की इमरान खान के डकेत के फिर रजायर आपके लीडर के पैरोकार भी तो डकेत ही होते हैं ना उन्होंने तो चंगी डकैतियाँ फैल जो की हैं और सुन ली है सुना है कि काफी सारे जो है अब तो हाँ वो जो मच्छर मार मुहिम है वो काफी तेजी से चल रही थी लेकिन फ्रेंकली स्पीकिंग मैं अब नहीं समझती कि मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि जैसे इमरान खान जो है उनको बैठे बैठे थोक के हिसाब से जमानत मिली है अब इंसान एक तकरीर की मार है आप इमरान खान ने ऐसे एक तकदीर करनी है उसके बाद जितने लोग आपने जलाओ घिराव के इल्ज़ाम में जिन्होंने ये सारे दंगे फसाद कराए थे बाहर आ जाएंगे उनको भी ऐसे मतलब तो जमानतें मिलेंगी वो अपनी जो हमारी दहशत गर्द आंटी है यासमिन राशिद वो कहने को कैंसर के मरीज़ है कहने को जो है वो बुजुर्ग खतून है और उनके हरकतें ये है कि वो खुद अपनी जेर क्यादत जो है उसने कौन कौन सा इल्ज़ाम नहीं है जिले शाह की मौत का इल्ज़ाम उस औरत के ऊपर है पच्चीस मई के दंगे फसाद का इल्ज़ाम उस खातून के ऊपर है ये अब जो नौ मई को हुआ इस सब का जो है वो पूरा इल्ज़ाम उसके ऊपर है लेकिन आप सब भूल जाए और सिर्फ ये याद रखें कि उनको कैंसर है मतलब कमाल ही बात है जो इमरान खान की जो है वो आ, आ, अदालत के अहाते से हालांकि वो अदालत के हाथे से कहीं बाहर है वो बिल्कुल गेट के पास जो बायोमेट्रिक दफ्तर है वहां से उनको गिरफ्तार किया वो उस पर बहुत नागवार गुजरा चीफ साहब को लेकिन उनको ये याद नहीं रहा कि हनीफ बासी को हाथे से नहीं अंदर हाई कोर्ट कोर्ट जो एंटी नार्कोटिक्स कोर्ट थी उसका जज बैठा हुआ था उसके बैठे हुए उसकी मौजूदगी में जो वो कटहरा बना होता था ना अः जिसके अंदर मुलजमान जो है वो खड़े होकर गवाही देते हैं उस कटेरे के अंदर कूद के अगलो ने जो है हनीफ बासी को गिरफ्तार किया क्या हुआ लेकिन नून लीक का था ना इमरान खान नहीं था ना अब आप लोग समझते नहीं है और शहबाज शरीफ को भी लाहौर हाई कोर्ट के हाथे से गिरफ्तार किया गया था वो भी कोई बड़ी बात नहीं है शजील मेमन उनको भी रेजस जो है वो सिंध हाई कोर्ट की हाथे से लेके गए थे लेकिन भाई आप सब लोगों को याद रखा रहना चाहिए कि इमरान खान इमरान खान है और अब जैसे मैंने पहले कहा था कि हुकूमत को भी और तमाम इदारों को भी जो है वो इमरान खान की बात कर लेनी चाहिए उसके आगे सरेंडर कर देना चाहिए अब रहमान साहब ने जो है वो एक हुक्म किया है पी की जमातों ने एक फैसला किया है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके बाहर धरना दिया जाएगा पीर वाले दिन मुझे उम्मीद है आप सब लोग सिर्फ सोशल मीडिया पे बैठकर कर इंकलाब की बातें करते हैं वो वाला इंकलाब नहीं इमरान खान वाला जाली और घटिया इंकलाब नहीं लेकिन आप लोग कहते हैं निकलना चाहिए बात करनी चाहिए अब सब हम वहाँ इकट्ठे होंगे इन शीर वाले दिन तो आप सबको भी इकट्ठे होना चाहिए हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारे अंदर आ, उतना इतिहाद और वो पैशन शायद नहीं है जो इमरान खान के आ, वर्कर के अंदर है जो जलाओ घराओ को भी जायज़ समझता है अपने लीडर के लिए हमने ये पहले नहीं किया हमारी गलती है हमने नहीं किया लेकिन अब इमरान खान ने रास्ता दिखा दिया है तो अब ये होना चाहिए और आ, अगर खुदा न खास सच्ची जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उनके घर के अंदर घुस के ये सब हुआ होता जो कोर कमांडर साहब के घर के अंदर हुआ या जो आ, रेडियो पाकिस्तान जिस तरह से जलाया गया जिस तरह से लोगों की मलकियत की चीज़ें जो है जलाई गई अगर कहीं इनमें से किसी के रिश्तेदार के साथ हुआ तो तो शायद तो शायद जो है वो हकीकत का अंदाज़ा होता और इमरान ख़ान की मोहब्बत जो है वो हकीकत पे आशकार होती है और उस आदमी की सेल्फिशनेस का अंदाज़ा लगाइए कि उसने आज थोक के हिसाब से अपने लिए जमानते ली हैं और जमानते भी देखे ना जो केस आपको पता है उसमें भी जो आपको नहीं पता इसमें भी और जो केस होने वाले हैं उसमें भी सब पे आपको जमानत है इनका बस चलते तो खुदाई कसम ये वो ताक क्यामत नहीं होता ताहत इमरान खान को जमानत दे देते और बल्कि बस चलता तो ये भी कह देते कि मुनकर नकीर जो है ना वो भी इमरान खान से जवाब नहीं मांगेंगे एक तरफ ये अदालतें इमरान खान को हाथ लगाने नहीं देती उसको जो है वो उसको किसी भी तरह शामिल तफ्तीश नहीं होने देती केस भी नहीं चलने देती इमरान खान के जितने भी केसेस हैं वो करप्शन के हवाले से हों मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से हो वो एज ए वजीर आजम हो या वो के पी हुकूमत का वो जो हेलीकॉप्टर केस है बी आर टी केस है मालम जब्बा केस है किसी भी केस के अंदर उसको शामले तफ्तीश होने के लिए कभी किसी ने नहीं कहा और इसीलिए वो आज उसने आपने देखा इस्लाम हाई में उन्होंने कहा कॉल नोटिस दिया था इसी अलकादर यूनिवर्सिटी वाले केस में उन्होंने कहा हमें लगा था कि वो इलीगल है तो जो इमरान खान को लगे अब वो आ, चीज़ें लीगल होंगी जो उनको लगेंगी वो इलीगल होंगी और कानून वही है जो इमरान खान कहेगा और अगर ये इस पाकिस्तान का मुकद्दर है तो फिर पाकिस्तान के लिए सिर्फ दुआ की जा सकती है और ये तमाम रियासती दारों के लिए आ, मेरी हुकूमत के लिए और ख़ुद मेरे लिए भी एज ए सियासी वर्कर बहुत तकलीफ़ का मुकाम है कि एक ऐसा शख्स जिसको झूठ बोलने की जिसको दगा देने की जिसको फ्रॉड करने की जो एक डकेत आदमी है जो एक दहशत गर्द आदमी है उसके रहम करम पर पाकिस्तान को यहमाल बना दिया गया है और हम उफ भी नहीं कह सकते मेरा आज का ब्लाग देखने का बहुत शुक्रिया इन अगले ब्लॉग में आपसे बातचीत होगी मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा खुदाफिज